हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल वॉल डेकोर आइडिया शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये होममेड कैनवास लिया है। अगर आप भी ये कैनवास घर पर बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे एक्रेलिक कलर्स को यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और सबसे पहले मैंने वाइट कलर लिया है और इस तरीके से हमें इस पे बैकग्राउंड क्रिएट करते जाना है। अब मैंने यहाँ पे येलो कलर लिया है और दो कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के लिए आप ड्राई ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, उससे ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इफ़ेक्ट आना चाहिए। सभी कलर्स को हम आपस में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और अब मैं लास्ट में हल्का सा ब्लैक शेड दे दूंगी यहाँ पे, तो ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देगा। तो ये बैकग्राउंड रेडी है और अब हम इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। अब मैं यहाँ पे क्राफ्ट पेपर ले रही हूँ लाइट पिंक कलर का। इस क्राफ्ट पेपर को मैंने छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर दिया है। मैंने यहाँ पे 4x4 सेंटीमीटर की साइज ली है। आपको जो भी साइज चाहिए अकॉर्डिंगली आप कट कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर पीस होना चाहिए। अब इसे मैं इस तरीके से दो कॉर्नर को जॉइंट करके इसे फोल्ड कर दूंगी। एक और फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ये ट्रायंगल शेप हो गया है। और यहाँ से हम इस तरीके से भी इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे इस तरीके से टर्न करके ऊपर का जो ओपन साइड है उसे ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पे हम इस तरह से पेटल का शेप दे देंगे और इसे हमें कट करना है। ये इजी और ब्यूटीफुल फ्लावर रेडी है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे फ्लावर्स बनाए हैं, कुछ छोटी साइज़ के, कुछ बड़ी साइज़ के, और मैंने दो शेड्स लिए हैं, लाइट पिंक और डार्क पिंक। मैंने एक और क्राफ्ट पेपर लिया है और उसे मैंने सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और इस पे मैं बर्ड ड्रॉ कर रही हूँ।
और इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो बर्ड्स आ गई हैं। आप इसे इस तरीके से एक बर्ड को उल्टा कर देंगे तो ये दोनों आमने सामने हो जाएंगी। और अब मैं ये एक ट्विग ले रही हूँ। ये जो वॉल डेकोर का आइडिया है ये इस ट्विग की वजह से ही मेरे दिमाग में आया था, और ये ट्विग मुझे कहीं पे वॉक करते हुए मिल गई थी तो मैंने ये उठा ली थी। सो इस ट्विग को अब हम इस कैनवास बोर्ड पर स्टिक करेंगे। और ये बर्ड के जो हमने कटआउट रेडी किए हैं उसे हम पहले अरेंज करके देखेंगे, जहाँ पे भी ये अच्छा लगेगा वहाँ पे हम इसे स्टिक करेंगे। और सबसे पहले इस ट्विग को हम इस कैनवास बोर्ड पे हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। जो जो पॉइंट, क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी है तो जो जो पॉइंट कैनवास बोर्ड पर टच हो रहे हैं उन पॉइंट्स को मैं स्टिक कर दूँगी, तो ये अच्छे से इस पर स्टिक हो जाएंगे। और अब यहाँ पर हम ये कटआउट्स लगाएंगे बर्ड के। इसके लिए मैं फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ, इससे ये जल्दी से स्टिक हो जाते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह वाइट ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्ड स्टिक करते टाइम ये ध्यान रखना है कि दोनों के फेस आमने सामने हो। अब हमने ये जो पेपर फ्लावर्स बनाए थे उन सबको हम ट्विग पर स्टिक कर देंगे अच्छे से। यहाँ पे मैं जो बड़े फ्लावर्स हैं उनको नीचे स्टिक कर रही हूँ, और जो छोटे छोटे हमने फ्लावर्स कट किए थे उसको मैं उसके बीच में लगा दूंगी, तो ये और भी अच्छा लगेगा कुछ इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंगली फ्लावर्स को अरेंज कर सकते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो आप इसे डबल साइडेड टेप की हेल्प से वॉल पे लगा सकते हैं। पीछे आप डबल साइडेड टेप लगा दीजिए। तो ये कुछ अलग सी पेंटिंग बनकर तैयार हो गई है। और ये ब्यूटीफुल और इजी वॉल डेकोर आइडिया आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नए और क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।